हेलो दोस्तों, मैं शीशा द टेस्ट गार्डन रिवर्स बोल रही हूँ। दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं, गुड मॉर्निंग। देखिए ये मैं कुछ ये रुइया के ये ली हूँ, ये रुइया अंकुरित रुइया है। ये देखिए मंडी में मिल रही थी तो मैं कुछ रुइया, कुछ हल्दी और ये कुछ अदरक लेकर आई हूँ, सूरन। और सूरन जैसे ही एक और चीज़ दिख रहा था, ये देखिए ये इसको मैं लगा चुकी हूँ। अब उसने बताया है ये खुजली नहीं करता। सूरन जैसे हमारे यहाँ का बनाओ सब्जी वगैरह तो हाथ में खुजली होती है, तेल लगा के बड़े सावधानी से काटना पड़ता है और खटाई डाल के उबालना पड़ता है, तभी जाके सब्जी और उसकी कढ़ी वगैरह बहुत बेस्ट आती है। तो ये बोला कि ये जैसे स्वीट पोटैटो होता है उसके जैसे इसकी वाइन होती है, उसमें भी वाइन में भी फल आते हैं, फल फूल, और नीचे ये कंद भी बनता है। ये खुजली नहीं करता, इसको उबाल के छील के हम यूज कर सकते हैं, फलाहारी है। तो ये हम देखे होंगे, खाए भी होंगे शायद कभी भी, पर मुझे याद नहीं है। बस मिल रहा था तो मैं उठा लाई और इसको भी लगा दी हूँ। इसका भी मैं वीडियो शेयर करूँगी। इसका नाम वो बहुत अच्छा बताया था, मैं भूल गई। आप लोग अगर इसका नाम याद रहे तो मुझे बताना कमेंट जरिए। तो देखिए दोस्तों, ये हल्दी कितनी अच्छी अंकुरण हो गई है। बस इसको मैं बलुई मिट्टी में लगा दूँगी, एकदम बेल्डन मिट्टी, लेकिन बालू की मात्रा ज़्यादा हो। बालू अगर राइस खस्क है तो बालू से अच्छा राइस खस्क रहेगा, वो पानी भी उतना ज़रूरत में लेगा और धीरे धीरे वो डिकम्पोज भी होगा और हल्का भी रहता है, और बालू है वजन हो जाता है। इसको वेल्डन मिट्टी ज़्यादा चाहिए, यानी बलुई मिट्टी। तो बालू राइस खस्क नहीं है तो आप बालू यूज करें, अगर राइस खस्क है तो बालू से ज़्यादा अच्छा राइस खस्क होगा। तो इन सब की मिट्टी एक जैसे ही होगी। और ये देखिए अदरक है, अदरक तो मैं हरदम लगाती रहती हूँ, कभी कभी तो मैं 1-2 किलो 3 किलो स्टोर कर लेती हूँ जब सस्ती रहती है। जैसे इस समय गर्मी में 10 रुपये पाव मिल रही है, मैं स्टोर करके मिट्टी में दबा देती हूँ। इसी तरह के इसके अंकुरण ये बनते रहते हैं, यानी बढ़ती रहती है अदरक। और अब इसको मैं अलग से, ये देखिए इसकी आँख आ गई है, देखिए अलग से मैं दबा दूंगी तो ये पौधे बन जाएंगे। बरसात में पौधे चाय में, इसकी पौधे की पत्तियाँ चाय में डाल सकते हैं, और इसके बाद ये 3.5 से 4 माह में ये इसके नीचे इस तरह का अदरक हमें मिल जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी आँख हो गई है। और ये रुइया है, ये भी देखिए अंकुरित हमको मिल गई है। तो रुइया की भाजी तो बहुत बेस्ट, पत्ते भी देखने में खूबसूरत लगते हैं और इसकी भाजी भी बहुत पसंद है हमको। सब्जी से ज़्यादा इसके पत्ते की भाजी बहुत पसंद है। और ये रुइया, ये हल्दी देखिए, तो ये तो 6 माह में हार्वेस्ट होती है, तो ये दूसरी बार मैं हल्दी लगाऊंगी। इसके पत्ते बड़े खूबसूरत लगते हैं और हल्दी भी हमको मिल जाती है। तो दोस्तों देखिए मैंने इन सब की मिट्टी बना ली है। ये इसमें देखिए राइस खस्क मिला है। मैं क्या करी हूँ, बस 40% मिट्टी ली हूँ और 30% मैंने किचन वेस्ट और गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाया है, और 30% में मैंने ये राइस हस्क और बालू मिलाया है। बालू से वजन बहुत बढ़ता है, राइस हस्क हल्की होती है और किचन वेस्ट भी बहुत हल्का होता है। वो सब मैंने मिलाया है, देखिए मिट्टी मेरी एकदम से, और रात में मैंने पानी डाल दिया था, एकदम गीली है। और दोस्तों थोड़ा सा मैंने इसमें आधी मुट्ठी, इस पॉट के हिसाब से मैं 2 से 3 चम्मच राख डाली हूँ और 2 चम्मच ही नीम खली, एक पॉट की बता रही हूँ। इसी तरह ये भी बन गई है, देखिए मैं उसी तरह की मिट्टी बनाई हूँ, बिल्कुल हल्की, और ये भी इसका भी, और इसी तरह मैं सारे पॉट में लगाऊंगी। तो दोस्तों जैसे ये मेरी रुइया इतनी बड़ी है, एक यहाँ से पौधा आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा, और ये भी आँख बन रही है, अभी एक एक उभार आया, इन आँखों से भी ये ब्रांच निकल सकती है। इसलिए मैं एक पॉट में एक ही रुइया लगाऊंगी, फिर कम पड़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 लगा दूंगी। तो ये मैं मिट्टी ये करके ये लगा दी, पानी मैं रात में ही डाल दी थी, और मैं इसको हल्का कवर करूंगी क्योंकि इसकी आँख आ गई तो निकलने में दिक्कत ना हो। अब एक ये पॉट थोड़ी मेरा चौड़ा है तो मैं एक और लगा दे रही हूँ, इसकी आँख निकल आए, इधर इधर से भी आने की इसकी संभावना है। ये इसी तरह सारी रुइया मैं सारे पॉट में लगा दूंगी, और मैं हल्दी लगाऊंगी। ये देखिए ये तो निकला ही है, इधर से भी उम्मीद है, और बाकी ये नीचे का हिस्सा दे दूंगी। अगर मैं ऐसे लगाऊंगी तो ये भी आँख आ जाएगी, ये भी, तो अभी तो मैं ऐसे लगाऊंगी क्योंकि ये इसकी आँख दबे ना, इसकी जो अंकुर निकल आया है पौधा, फिर बाकी इसको जहाँ से जो होना होगा तो होता रहेगा। मैं मिट्टी ये मैं एक ही लगाऊंगी इसमें क्योंकि ये सकरा बैग है। अब इसी तरह ये मैं अदरक लगाऊंगी,
ये अब इतनी अदरक देखिए यहाँ से भी आएगी, इधर से भी आंख आएगी, इधर से भी। मैं ये दबा दे रही हूँ। अब इससे देखिए दो ही अदरक दबाए हैं और इससे बहुत सारे ब्रांच, बहुत सारे पौधे आ जाएंगे। और कम दबाने पर, इस ज्यादा स्पेस होने पर और मिट्टी एकदम हल्की होने पर, भुरभुरी होने पर, इसकी नीचे अदरक का बहुत विकास होगा। और ये बहुत अच्छी फर्टिलाइजर युक्त मिट्टी है। जो मैं मिट्टी डाली हूँ 40%, वो मेरी मिट्टी नहीं है, किचन वेस्ट और टेरिस वेस्ट का मैंने वेस्ट भर के जो नीचे मैंने इसमें भरा था ग्रो बैग में, वो मिट्टी बन गई, यानी फर्टिलाइजर ही है वो मैं डाली हूँ। और 30% मैंने अलग से और फर्टिलाइजर मिला लिया, और राइस खस्क और ये है बालू, तो अच्छी ये मिट्टी भुरभुरी बन गई है मेरी, बलुई मिट्टी। तो पानी भी इसमें ठहरेगा नहीं, क्योंकि नहीं तो इसके कंद जो है खराब हो जाएंगे। दूसरी बात, मिट्टी भुरभुरी होने के कारण इसके कंद का विकास ज़्यादा होगा, अच्छा फैलाव होगा, तो स्पेस भी है इसमें, तो नीचे ज़्यादा अदरक बनेगी। और फिर इसके बाद अभी हम इसमें कुछ भी फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, क्योंकि मिला 1.5 से 2 माह तक। इसके बाद फिर जब इसका जानेंगे इसका फर्टिलाइजर ख़त्म हो रहा है, तो मैं कुछ सूखी कुछ लिक्विड अपना धीरे धीरे डालती रहूँगी और मेरे नीचे अदरक बनती रहेगी। इसी तरह ऐसे मैंने हल्दी में भी किया है, इसी तरह मैं रुइया में, और इसी तरह ढेर सारे पौधे लगा देंगे दोस्तों। तो ये पत्ते भी हमको यूज में मिल जाते हैं, खूबसूरती भी गार्डन की बढ़ाते हैं, हरियाली। और जैसे रुइया है उसकी भाजी भी मिल जाएगी, हल्दी है तो उसके पत्ते खूबसूरत, मतलब और कोई मेहनत नहीं है, हल्का पानी डालो बस। अभी तो मिट्टी मेरी ज़्यादा गीली है, मैंने रात में पानी डाला था, अब इसको जब मिट्टी सूखने लगेगी तब मैं पानी डालूंगी, क्योंकि नहीं ज़्यादा पानी से इसके कंद नीचे के गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, तो पानी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सब्जी ऐसी अगर आपकी छत में धूप नहीं आती है तो छाया में भी हो जाएगा, 1-2 घंटे की धूप मिल जाए उतना इसके लिए पर्याप्त है। तो दोस्त नमस्कार दोस्तों, अगर ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।